नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक बार नई रेसिपी में। आप किसी भी रेसिपी को जितने बार अलग तरीके से बनाएंगे आपको उतना ही अलग अलग टेस्ट आएगा, साथ ही सब्जी का समय और जो तरीका है वो अलग होंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे आधे किलो भिंडी को इस तरह धोने के बाद में काट लिया है। भिंडी को आप जो है धोने के बाद में काटे, आप देख सकते हैं भिंडी बिल्कुल खिले खिले है। इसमें जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना वो नहीं है। अगर आप भिंडी को धोकर काटेंगे तो वैसा हो जाएगा, यानी चिपचिपा सा होता है, तो इसलिए भिंडी को आप जो है धोने के बाद में ही काटे। मैं यहाँ पर डालूंगी एक मीडियम आकार के प्याज, बारीक कट कर ले लिया है। एक इंच अदरक को मैंने यहाँ पे ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके ले लिया है। साथ में यहाँ पे एक मीडियम आकार का लहसुन, यानी कि 10 से बड़ा कलिया लहसुन को हम इस तरह थेता करके ले लिया। थेता करके लेने से लहसुन का जो बाइट है ना वो अच्छा आएगा, साथ ही जो सब्जी है हमारी इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पे आधे किलो भिंडी में आधे चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे आधे चम्मच धनिया पाउडर ले लेंगे, आधे चम्मच हल्दी पाउडर, आधे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधे यहाँ पर मैं नींबू का इस्तेमाल करूंगी। आप आधे नींबू के जगह पे आधे चम्मच अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक चम्मच यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल करेंगे। बेसन का इस्तेमाल एक चम्मच से ज्यादा ना करें, नहीं तो आपका जो रेसिपी है इसका टेस्ट जो है उतना अच्छा नहीं आएगा। दो छोटे चम्मच ऑयल डाल देंगे। अब सारे सामग्री को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ हाथों की सहायता से, आप चाहे तो चम्मच की सहायता से भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने लाल मिर्ची का इस्तेमाल किया है, यानी लाल मिर्ची पाउडर का। अगर आप फर्स्ट टाइम मिक्स करेंगे ना हाथों से तो हो सकता है आपके हाथों में जलन हो, पर अगर आप हाथों से मिक्स करें तो उसके बाद में साबुन से अच्छे से धो ले, या फिर आप ग्लव्स पहन कर भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, जिससे आपके हाथों में जलन नहीं होगी। तो जी इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, भिंडी में ऑलरेडी मॉइस्चर होती है, तो आप जैसे मिक्स करते जाएंगे ना वैसे आप देख पा रहे होंगे भिंडी की जो ऑलरेडी मॉइस्चर होती है ना उसी की वजह से ये अच्छे से मिक्स हो रही है। आपने देखा बेसन अच्छी तरह से इसके साथ में मिक्स हो चुकी है। एक बार इस तरीके से भिंडी की सब्जी बनाकर जरूर देखें, एक दिन मानिए सारे तरीके छोड़ देंगे, क्योंकि ये तरीका है ना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके साथ ही इस तरीके से भिंडी की सब्जी बनाने से बहुत ही जल्दी पककर रेडी हो जाती है, जिससे आपको बहुत ही कम मेहनत लगेगी। तो जी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारे भिंडियों को सारे सामग्री के साथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स करके ले लिया है। मैंने एक बड़ी चम्मच ऑयल ले लिया है। आपको अगर ऑयल ज्यादा लग रही है तो फिर आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाने पर आधी चम्मच जीरा डाल देंगे। देख सकते हैं जीरा अच्छे से चटक चुकी है, तो हमने यहाँ पे भिंडी को जो मसाला था मिक्स कर रखा है उसे डाल देंगे। अब भिंडी को हम अच्छे से ऑयल के साथ में मिक्स कर देंगे। अब पहले गैस को तेज नहीं करें, एक बार जो है भिंडी को अच्छे से ऑयल के साथ में मिक्स कर दें, उसके बाद में गैस को तेज कर दें। इस टाइम हमने गैस को जो है धीमा कर रखा है, ताकि भिंडी मसाले के साथ मिक्स की हुई है इस वजह से चिपके ना। इस तरह से अगर आप भिंडी बनाएंगे ना तो भिंडी की सब्जी ना तो चिपचिपे बनेंगे, ना तो ये बहुत ज्यादा ड्राई बनेंगे, ना ही ये बहुत ज्यादा गीला बनेगा, यानी परफेक्ट तरीके से बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा, जो कि रोटी चावल दोनों के साथ में परफेक्ट है। देख सकते हैं भिंडी को हमने ऑयल के साथ में अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। भिंडी को धीमे गैस पर 2 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि हमारा जो भिंडी है वो मसाले के साथ में अच्छे से पककर रेडी हो जाए। तो जी आप देख सकते हैं भिंडी जो है बेसन और मसाले के साथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से पककर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस तरह की भिंडी की सब्जी अगर बनाएंगे ना तो आपको सब्जी बनाने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, इससे ही आप रोटी और चावल दोनों को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है भिंडी की भुजिया और सब्जी दोनों का ही आने वाली है, साथ ही इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आती है इस तरह से अगर आप मिक्स करके मसाला को बनाएंगे तो। और ये जो सब्जी है बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है, तो देख सकते हैं एक बार छौंकने पे हमारे जो भिंडी की भुजिया है 4 मिनट के अंदर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। लेकिन ध्यान रखें भिंडी को हमने बीच में एक बार जरूर चला दिया था, तो अगर आप 4 मिनट के लिए किसी भी सब्जी को ढक देते हैं तो बीच में एक बार जरूर चला दें। तो जी भिंडी की सब्जी को और भी ज्यादा मजेदार बनाने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे कस्तूरी मेथी। आप कस्तूरी मेथी की जगह पे हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्तूरी मेथी के साथ में भिंडी को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी जो भिंडी की सब्जी है ऑलरेडी पककर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और साथ ही देख सकते हैं कितने बढ़िया और खिले खिले बने हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह की भिंडी के भुजिया आप भी घर पर बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।